हेलो 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 एवरीबॉडी एंड वेलकम टू वीओई एकेडमी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वीओई एकेडमी। आप लोगों का इस वीडियो में बहुत 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 स्वागत है एंड आई होप आप लोगों ने जिस उम्मीद से इस वीडियो को क्लिक किया हो वो आपकी उम्मीदें फुलफिल हो सके और आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आए। अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो और हमारी एकेडमी की वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी एकेडमी का नाम वीओई एकेडमी है और हमारी एकेडमी का मोटिव है कि हम लोग आप लोगों को, आप लोग का 10th क्लास का जितना भी आपको सिलेबस है वो सब हमारी वीडियोस के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट करा सके। तो उसी उम्मीद के साथ, इसी जज्बे के साथ हम लोग वीडियोस बनाते हैं, रोज बनाते हैं ताकि हम लोग आप लोगों का 10th क्लास का सिलेबस टाइमली कंप्लीट करवा सके। तो प्लीज अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो या अगर किसी भी आप रिजीम में हो लाइफ के और आपको 10th क्लास का सिलेबस स्टडी करना है क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ एक 10th क्लास का एस्पिरेंट, एक सीबीएसई बोर्ड का एस्पिरेंट ही या किसी भी बोर्ड का एस्पिरेंट ही इस वीडियो को देखे। अगर आप लोग किसी और सेक्टर में भी हो और अगर आप लोगों को 10th क्लास के किसी टॉपिक की जरूरत है तो आप लोग भी हमारे जो एकेडमी है उसके यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी अच्छा और रेलेवेंट सिलेबस और टॉपिक्स और अंडरस्टैंडिंग्स, स्पेशली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। मैं आप लोगों की फिजिक्स ट्यूटर हूँ, साइंस ट्यूटर बेसिकली, और मैं आप लोगों को जो आपका साइंस में जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है वो मैं सब आप लोगों को कवर कराती हूँ। अपनी अब तक की वीडियोस के अंदर हम लोग क्या है, अपनी अब तक की वीडियोस के अंदर हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसे कंप्लीट कर चुके हैं, वो चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट है और उस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारी एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को वो चैप्टर कंप्लीट करना है, अभी तक आप लोगों ने वो चैप्टर स्टडी नहीं किया है तो जल्दी से जाओ हमारे चैनल के पेज पे और उसे वहां पर कंप्लीट कर लो, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसानी से मिल जाएगा। और अब हम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और हम उस पर क्या है उसका भी काफी हद तक पोर्शन हम स्टडी कर चुके हैं और हमारा कुछ ही बेसिक्स, कुछ ही लास्ट पोर्शंस हैं, कुछ हम लास्ट कंसेप्ट्स हैं जिसे कवर कर रहे हैं। इतना भी लास्ट नहीं है, हाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला काम है यहाँ पे, ये लास्ट टॉपिक्स हैं उसके लास्ट पोर्शन हैं बट ये लीस्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत कुछ है समझने को, बहुत कुछ है अंडरस्टैंडिंग करने को, ठीक है। तो अब जो हम इस चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन अच्छे से पूरा हो चुका है, रिफ्लेक्शन का मेजर पोर्शन कर चुके हैं और अपनी अब आज के वीडियो के अंदर हम क्या है इमेज फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। किसको स्टडी कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हैं, मतलब अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि जो लेंसेज हैं लेंसेज की हेल्प से इमेज फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। क्या स्टडी कर रहे हैं हम कि लेंसेज की हेल्प से इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकती है। तो अगर आप लोग, मतलब ये पहली वीडियो ही है जो आप लोग देख रहे हो तो मैं आपको एक क्या है एक ब्रीफ मतलब इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ब्रीफ रिवीजन दे देती हूँ आप लोगों को कि हमने अपने अब तक की जो पिछली वीडियोस है उसके अंदर क्या क्या स्टडी कर चुके हैं, कितना पोर्शन या मतलब एक ब्रीफ, मतलब हमें तुम्हें टॉपिक्स बता देती हूँ ताकि अगर तुम लोग ये वीडियोज फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो भी तुम्हें समझ में आ जाए कि आज के टॉपिक में हमने किया क्या क्या है। तो इमेज फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि हमें दिखाना होता है कि इमेज फॉर्मेशन में कि अगर हमने एक लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा है तो उसके बाद जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होगी, सॉरी रिफ्रैक्ट होगी लाइट, तो उसके बाद उसकी इमेज कैसे बनेगी, ठीक है, उसकी इमेज कैसे बनेगी, किस तरीके की बनेगी, तो वो होता है इमेज फॉर्मेशन। उसे बेसिकली क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करने का मेरा मतलब क्या होगा कि अब जैसे देखो अब आपको डायग्राम बनाना है किसी भी इमेज फॉर्मेशन का, तो ये पॉइंट तो बहुत ही क्लियर है ना कि अगर आपको एक डायग्राम बनाना है एक सिचुएशन को डिपिक्ट करने के लिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज की पोजीशन ये बनेगी, तो सर्टनली आपको कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप अपनी मर्जी से तो ये नहीं होगा ना कि आपने लाइट उसके ऊपर डाल दी, आपने मर्जी से उसकी रिफ्रैक्शन कर दी कि ये रिफ्रैक्ट होके भाई यहाँ चली गई, ऐसा तो नहीं होगा। रिफ्रैक्शन के क्या है, रिफ्रैक्शन कुछ पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करता है, जैसे कि हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़े थे। तो अगर जिन लोगों ने ये वीडियो देख रखी है, मेरी पहले की वीडियोस उन्हें स्टडी कर रखी है, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ रिफ्रैक्शन के अंदर जो सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो रूल था
वो क्या नाम था उसका, ठीक है, उसका नाम कमेंट करो, और जिन लोगों ने नहीं देखे वो जाके देखो। तो उससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा रिफ्रैक्शन है वो भी क्या फॉलो करता है, वो कुछ पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करता है, कुछ पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमारी जो क्या है रिफ्रैक्शन होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है। तो अब क्या है, हमने क्या स्टडी करना है, हमने ये देखना है कि अब जो इमेज फॉर्मेशन करते वक्त कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा हमें अपनी इमेज फॉर्मेशन डायग्राम को बनाने के लिए। तो हम वो रूल्स को स्टडी कर रहे थे, उसमें बेसिकली तीन बेसिक रूल्स होते हैं जिसमें से दो हम पिछली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को कि पिछले रूल्स में उसमें क्या क्या था, और अगर आपको डिटेल में उन रूल्स को स्टडी करना है तो आप क्या कर सकते हो, पिछली वीडियो पे जा सकते हो, ये वीडियो कंप्लीट कर लो, उसके बाद पिछले वीडियो पे जाना, पिछले वीडियो में भी अच्छे तरीके से देख लेना और उसे समझ लेना, उसे नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। अब क्या है, मुझे इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करना है। इमेज फॉर्मेशन में जो पहला रूल था उसमें क्या था, हमारी जो लाइट थी वो कैसे आ रही थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी। कैसे आ रही थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी। जब लाइट रे क्या आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो मैं आपको याद करने के लिए बता देती हूँ, जिन लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखी है तो आप बस अब जल्दी से इसको याद भी करना लग जाओ कि जो भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो क्या है, किसमें से पास करेगी, फोकस में से। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है, या तो वो हो सकता है वो फोकस से पास करे, या हो सकता है कि वो फोकस से पास करती हुई नजर आए, ठीक है। जैसे कि मैं ग्राफ डायग्राम बना के भी दिखा देती हूँ आपको। मान लो ये आपने क्या ले लिया, हमारा कन्वेक्स लेंस ले लिया, उसके बाद ये हमारी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, हमारी रेज क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये सारी की सारी लाइट रेज कहाँ से पास कर जाएगी, ये लाइट रेज पास कर जाएंगी हमारे फोकस से। कहाँ से पास कर जाएगी, हमारे फोकस से, ठीक है। ये पॉइंट हमारा मान लो हो गया फोकस। तो अब लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर दे आर गोइंग, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कहाँ जा रही है, फोकस में से पास कर रही है। अब अगर यही सेम चीज क्या है, कनकेव लेंस की अगर तुम्हें करना है तो ये कनकेव लेंस, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस और ये मेरी पैरेलल रेज। क्या करना है, ये सेम चीज कनकेव लेंस के लिए करना है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेके आए। अब कनकेव लेंस कैसा लेंस होता है, जरा ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ, कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कनकेव को क्या बोलते हैं। कनकेव लेंस को बोलता है डाइवर्जिंग लेंस। अब डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा, जो भी लाइट रेज होंगी वो क्या है, दूर दूर फैल जाएंगी, क्या हो जाएंगी दूर दूर चली जाएंगी। तो दूर दूर कैसे जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी कि ऐसा लगेगा जो लोग, जो इंसान दूसरी तरफ खड़ा होगा, मतलब अगर यहाँ पे खड़े होकर किसी ने देखा कि लाइट रेज कहाँ से आ रही है, तो उसे क्या लगना चाहिए, उसे ये लगना चाहिए कि सारी की सारी लाइट रेज कहाँ से आ रही है, ये सारी की सारी लाइट रेज आ रही है तुम्हारे फोकस से। क्या लगना चाहिए कि ये सारी की सारी लाइट रेज कहाँ से आ रही है, तुम्हारे फोकस से। तो अब तुम क्या करोगे, फोकस से इस तरीके से लाइट रेज लेके जाओगे, फोकस से जोड़ के, ठीक है, एक फोकस से लाइट रेज जोड़ के तुम लाइट रेज बनाओगे। अब तुम लोग ये ध्यान रखना कि ये भी मैंने बोला था बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है, एक पार्टीशन हो जाएगी ना कि ये इससे पहले पहले वाला। अब ये लाइन ड्रॉ करने का मेरा मेन मोटिव पता क्या है, ये लाइन अगर तुम ड्रॉ कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक पार्टीशन आ जाएगी, एक पार्टीशन आ जाएगी कि उस लाइट रेज से उस वर्टिकल लाइन से पहले जितनी भी लाइट रेज है वो क्या है, इंसिडेंट है, और उसके बाद वाली जितनी भी है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड है। तो ये लाइन क्या तुम्हें क्लैरिटी दे देती है, और ये इससे क्या है तुम्हारा डायग्राम काफी ज्यादा क्लियर बनता है, क्योंकि हम क्या है, हम डायग्राम बनाते हैं, हम अपने हाथ से डायग्राम बनाते हैं, कभी कभी अपनी लाइंस को मैसअप कर देते हैं तो मैसअप ना हो वो, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें हम क्या है बीच में लाइन बनाते हैं दिखाने के लिए कि इसके पहले वाली जो इंसिडेंट है उसके बाद वाली रिफ्लेक्टेड है। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें ये वाली जो रेस है इनको क्या बनाना है, इनको हमेशा डॉटेड बनाना है, क्योंकि ये क्या है, ये फोकस से निकलती हुई नजर आएंगी पर ये असल में फोकस से नहीं निकल रही है, ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी बात। ये जो लाइट रेस है यहाँ पे जो भी इंसान खड़ा होगा उसे लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, पर असल में तुम्हें सोर्स तो पता है ना, ये फोकस से तो आ ही नहीं रही है, कैसे आ रही है, ये तो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये तो क्या है, तभी तो हम रजे ये है, तुम लोग अगर किसी पार्क में अगर तुम गए हो तो वहां पे मिरर्स लगे होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, किसी मिरर में तुम तो बहुत ज्यादा मोटे लगते हो, किसी मिरर में तुम बहुत ज्यादा पतले लगते हो, किसी में तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, किसी में तुम छोटे से लगने लग जाते हो, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, समझ रहे हो, किसी में तुम बहुत बड़े लगते हो, किसी में तुम बहुत छोटे लगते हो। तो उसमें वो क्या होता है, वो ट्रिक्स ही होती है, वो भी एक वो भी क्या होता है, हम बोलते हैं ना मृग कृष्णा मिराज बोल देते हैं उसको, मृग कृष्णा ही होती है वो, क्या होती है ना, हमें दिखने में लगता है। उसी तरीके से
यहाँ पे ये भी क्या है, ये लाइट रेस लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, पर असल में ये फोकस से नहीं आ रही होंगी, असल में ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल की रेस ही है। बट ये एक साइंस का क्या है, हम ये कह सकते हैं साइंस की ब्यूटी है, एक साइंस का खेल है, साइंस भी हमारे खेल खेल रही है, हमें लगेगा कि ये क्या हो रही है, ये फोकस में से पास करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी पहला रूल तुम्हें याद हो गया, अब नेक्स्ट अब मुझे जल्दी से बताओ दूसरा रूल हमने क्या स्टडी किया था। हाँ जी, जिन लोगों ने पहले वीडियो देख रखी है उन्हें तो पता होना चाहिए दूसरा रूल क्या स्टडी किया था। अब ये पहला रूल ही थोड़ा ट्रिकी था, दूसरा रूल तो बिल्कुल ही सिंपल था। दूसरा रूल क्या था कि हमारी जो इंसिडेंट लाइट है, हमारी जो इंसिडेंट लाइट है अगर वो कहां से पास करे, अगर वो पास करे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। जरा मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करो, अगर इंसिडेंट लाइट कहां से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ये मेरा कौन सा रूल है, ये मेरा सेकंड रूल है। तो मुझे जरा जल्दी जल्दी बताओ कि ये इसका रिफ्रैक्शन के बाद क्या बनेगा, क्या कहां से पास करेगी रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये बिल्कुल सिंपल है, डायग्रामेटिकली भी दिखा देती हूँ। ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, ये मेरा कंकेव लेंस है, यहाँ पे मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये भी ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हमारी जो इंसिडेंट लाइट है वो कहां से पास कर रही है, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। कहां पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर में, ये बिल्कुल सिंपल है। जो भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्या कर रही है, पास करती हुई नजर आ रही है, तो वो क्या कहां पे जाएगी, वो बिल्कुल सिंपल है इसका आंसर। ये क्या है, ये लाइट बिल्कुल भी डाइवर्ज नहीं होगी, अपने पाथ से बिल्कुल नहीं हिलेगी, जैसे आ रही थी वैसे की वैसे चली जाएगी। अब ये लाइट क्या है, यानी इस पे लेंस का कोई असर नहीं होगा, कोई लेंस का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, कोई असर नहीं होगा। ये ऐसे आई थी ऐसी की ऐसी चली जाएगी, ऐसे आई थी ऐसी की ऐसी चली जाएगी, ये सिंपल है। ये क्या है, तुम्हारा दूसरा रूल है कि अगर कोई भी लाइट रे कैसे पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो उसमें क्या है, लाइट का कोई भी असर नहीं होगा, वो क्या है, सीधी की सीधी वैसे ही पास कर जाएगी तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से। समझ रहे हो, तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधा की सीधा वैसे ही पास कर। अभी ये ऐसे रूल्स थे जो हमने अपने पिछले वीडियो में भी कर लिए थे, है ना, कुछ कुछ चीजें थी जैसे डॉटेड वगैरह का मैंने बताया, वो इस वीडियो में बताया, पर काफी हद तक हम पिछले वीडियो में भी यहाँ तक हमने किया था, कुछ कुछ स्टडी कर लिया था, कुछ कुछ नया भी बताया। ठीक है, अब हम बिल्कुल एक नई चीज पे चलते हैं जो मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं अभी तक बताई है। वो क्या है, वो है मेरा तीसरा रूल। वो क्या है, वो है मेरा थर्ड रूल। और मेरा थर्ड रूल क्या है कि मेरी लाइट कहां से पास कर रही है, मेरी लाइट पास कर रही है फोकस से, इंसिडेंट लाइट पास थ्रू फोकस। क्या हो रहा है कि मेरी जो इंसिडेंट लाइट है वो कहां से पास कर रही है, वो पास कर रही है बच्चे फोकस से। तो अब तुम्हें बताना है कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट कहां से पास कर रही होगी, फोकस से पास कर रही होगी, तो उसका क्या होगा। अगर कोई इंसिडेंट लाइट कहां पास कर रही होगी, फोकस से पास कर रही होगी, तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या होगा, अब वो तुम्हें स्टडी करना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक सिंपल डायग्राम बनेगा बच्चे। ये मान लो तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है और ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंकेव लेंस, क्योंकि जो भी हम रूल्स कर रहे हैं, मेरा मानना है रूल्स करो तो फिर दोनों लेंसेज के लिए बना के देखो, क्या है ना, फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं रहती। कोई कोई रूल होता है, जैसे पिछले रूल के अंदर हमने कोई फोकस, जैसे कन्वेक्स लेंस के लिए फोकस मैंने ये वाला कंसिडर किया, वेरस कंकेव के लिए जब मुझे फोकस कंसिडर करना था तो मैंने दूसरे वाला फोकस कंसिडर कर लिया। ठीक है, समझ रहे हो, इनमें ना ऑपोजिट फोकस कंसीडर होता है एक पर्टिकुलर रूल के लिए। जैसे एक ही रूल अगर तुम स्टडी कर रहे हो कंकेव लेंस के लिए और कन्वेक्स लेंस के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी में ये होता है कि इनका जो फोकस है ना वो उल्टा हो जाता है। जैसे पिछले वाला रूल था फर्स्ट रूल, उसमें तो मैंने कन्वेक्स लेंस का कौन सा वाला फोकस कंसीडर किया था, उसमें मैंने कन्वेक्स लेंस का ये वाला फोकस, इस साइड वाला फोकस कंसीडर किया था, और कंकेव के लिए मैंने इधर वाला। अब इस रूल में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे देखो, अब सबसे पहले तुम्हें क्या बना लेनी है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेनी है अपनी, ऑप्टिकल सेंटर बना लेना, ऑप्टिकल सेंटर बना लेना, और क्या आप बना देने हैं, दोनों फोकस बना देने हैं, F1 और F2। ठीक है, क्या बना देने हैं अपने, दोनों फोकस बना देने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी इंसिडेंट लाइट कहां से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। तो इंसिडेंट लाइट क्या है, फोकस से पास की। अब ये ना सेंटर में लाइन बनानी है, हमें थोड़ी जरूरी है, ये लो इंसिडेंट लाइट फोकस से पास की। और यहाँ पे क्या है, यहां से इंसिडेंट लाइट फोकस से पास करेगी नहीं, फोकस से पास करती हुई लगेगी, जैसे मान लो इस तरीके से ये लगेगा कि ये कहां से आ रही है। जैसे मैं ये डॉटेड लाइन बीच में बना लूंगी, ठीक है, ये लगेगा
कि अब देखो अगर अगर ये लेंस ना हो तो क्या होगा, ये फोकस के ऊपर जाएगी ना सीधा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इस रूल पे अमल ऊपर हमें थोड़ी वीडियो अपनी लगानी पड़ेगी ये वाली, पर ये रूल इम्पोर्टेंट है, एक बार अगर तुम्हें समझ आ गया तो तुम्हें दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है, इंसिडेंट लाइट फोकस से पास कर रही है या ऐसा लग रहा है कि वो फोकस की तरफ जा रही है, समझ लो। इसमें भी दो कैटेगरीज बनेंगी, यहाँ पर तो इंसिडेंट लाइट क्या है, रियालिटी में फोकस उनसे पास कर रही है, वेरस दूसरे केस में क्या है, वो फोकस से पास नहीं कर रही है पर लग रहा है कि अगर ये लेंस ना हो तो ये कहाँ चली जाएगी, सीधा ये सीधा फोकस के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जरा गैस करके बताओ। अब तुमने मिरर का पढ़ा है, ये मिरर में भी हमने ऐसे रूल किए थे, मिरर में भी एक हमने रूल किया था कि इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर उसके बाद दूसरा हमने रूल किया था इंसिडेंट लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। अब वो सेम कैटेगरी रहती है यहाँ पे भी है। अब तुम मुझे गैस करके बताओ जरा, कि जरा सोचो, इसको वीडियो को पॉज करो, सोचो कि ये अब इस लाइट का क्या होगा, ये लाइट फोकस से पास कर रही है या फोकस से पास करती हुई नजर आ रही है, अब इस लाइट का क्या होगा। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस रूल को याद रखना बिल्कुल आसान है। फर्स्ट रूल में क्या था, इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू और अपीयर टू पास थ्रू फोकस। इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, क्या लग रहा था कि वो फोकस से पास करेगी या फोकस से पास करती हुई नजर आएगी। अब उल्टा हो गया, अब इंसिडेंट लाइट क्या हो रही है, फोकस से पास कर रही है या लग रहा है कि फोकस के ऊपर पास करेगी फोकस से। तो अब बिल्कुल सेम, जो इंसिडेंट था वो रिफ्रैक्टेड, जो रिफ्रैक्टेड था वो इंसिडेंट, यानी अब ये रे क्या हो जाएगी, ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ये भी रे क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, इस तरीके से, समझ रहे हो। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो रहा हो यहाँ पे मैं क्या समझा रही हूँ। अब ये क्या है, फर्स्ट रूल का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, फर्स्ट रूल का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। और एग्जैक्टली ऑपोजिट में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे वहां पर क्या था, हमारी लाइट क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी और वो कहाँ से पास करती हुई नजर आती थी, ये लगता था कि वो फोकस से पास हो रही है। वेयर एज अनदर केस में क्या है, यहाँ पे लाइट क्या है, फोकस से पास कर रही है और पास करती हुई नजर आ रही है, तो दोनों में उल्टा हो जाएगा। वहां पे पैरेलल आ रही थी तो फोकस से पास कर जाएगी, यहाँ पे फोकस से पास कर रही थी तो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। ये बेसिक रचे, ये बेसिक तीन रूल्स हैं जो तुम्हें इमेज फॉर्मेशन के लिए स्टडी करने हैं। एक बार ये तीन रूल्स तुम लोगों को समझ आ गए, फिर तुम्हें शर्त लगा के बता सकती हो, तुम्हें मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताऊंगी, तुम इमेज खुद बना लोगे, ऑब्जेक्ट की मैं तुम्हें पोजीशन ही बताऊंगी, सिर्फ इमेज तुम लोग खुद बना लोगे, इतनी तुम्हें शक्तियां आ जाएंगी, ठीक है, मान लो दिव्या शक्तियां ही हो जाएंगी ये भी। तो अब अगला टॉपिक करने के बजाय मेरा मानना ये है कि तुम लोग ये जो अपने रूल्स है ना, इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करो। हम जो अपनी इमेज फॉर्मेशन है, जो रियल इमेज फॉर्मेशन है, उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले तुम ये क्या है, ये रूल्स बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, ताकि तुम्हें ये रूल्स में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं क्या है, जल्दी से ये रूल्स का एक पर्टिकुलर सा फटाफट तुम्हें रिविजन दे देती हूँ। रिवीजन मैं अकेले नहीं करूंगी, तुम लोगों को साथ में करनी है, तुम लोग भी साथ में बोलो। सबसे पहला रूल क्या था, लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, जरा बोलो कहां से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी या फोकस से पास करती हुई नजर आएगी। लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो फोकस से पास करेगी या फोकस से पास करती हुई नजर आएगी। दूसरा रूल, अगर लाइट कहाँ से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, सीधा ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर जाके टकरा रही है, तो क्या होगा, तो वो लाइट बिल्कुल बहुत शैतान लाइट निकलेगी वो, और उसके ऊपर ऑप्टिकल सेंटर का कोई असर नहीं होगा, वो सीधा की सीधा वैसे ही निकल जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि हमारी लाइट क्या है, फोकस से, इंसिडेंट लाइट फोकस से पास कर रही है या लग रहा है कि फोकस की तरफ जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट का उल्टा, अब ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। आई होप तुम्हें तीनों रूल्स अच्छे से याद हो गए हों, समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो फील फ्री, रजे तू कमेंट डाउन इन द वीडियो, कमेंट डाउन द वीडियो, हम तुम्हारा जो भी तुम्हारा दिक्कत है, तुम्हारी जो डाउट है, हम तुम्हें विद इन 24 आवर्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे। ये रूल्स तुम अच्छे से रिवाइज कर लो, इन्हें नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, और अगली वीडियो के लिए बकल अप हो जाओ, क्योंकि अब हम क्या है, इमेज फॉर्मेशंस बनाएंगे अगली वीडियो में कन्वेक्स लेंस के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज कम फॉरवर्ड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। अपना सिलेबस अच्छे से पूरा करो, अपनी तैयारी अच्छी रखो और अपने कंसेप्ट भी क्लियर रखो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीओई अकेडमी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो।